हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इतना टेस्टी और इतना हेल्दी और बहुत ही ताकतवर हलवा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए हमने एक भगोनी लिया है, इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे गुड़। तो ये हमने लिया है 250 ग्राम गुड़ लिया है और इसमें हम इसका डबल पानी ऐड करेंगे। तो अब इसको हमारे को मेल्ट करना है, इसकी चाशनी नहीं तैयार करनी है कि थोड़ा गर्म होने में ये बिल्कुल अच्छी से जल्दी मेल्ट हो जाता है। आप इसको अगर आप नॉर्मल पानी में भिगो के रखोगे तो उसको आधा घंटा के लिए आप इसको पहले भी भिगो के रख सकते हैं तो ये वैसे भी मेल्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और उसको हम एक साइड में कर दिए। तो चलिए आगे की तैयारी करेंगे। तो ये हमने लिया है 50 ग्राम मखाने और मखाने में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होती है, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो जो भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी इससे। तो इसको बिल्कुल हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं मखाने हमारे अच्छे से रोस्ट होने लगे और फ्लेम हमारे को लो टू मीडियम पे रखनी है। और मैं यकीन से बोल रही हूँ इसको खाने के बाद में आपके जो भी शरीर में कमी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, मैं यकीन से बोल रही हूँ आपको परफेक्ट तरीके से। तो मखाने हमारे भून के तैयार हो गए हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी और यह हमने लिया है 20 ग्राम बादाम लिए हैं और 20 ग्राम ही हमने काजू लिया है। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप कम या ज्यादा और कर सकते हैं, बट आप इसमें ज्यादा मात्रा में डालोगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा यह हलवा है जो। तो ये भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं तो इनको भी हम निकाल लेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे, हमने 200 ग्राम आटा लिया है तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसका ब्राउन कलर होने तक हम इसको बढ़िया इसको भूंज लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच घी की और ऐड करेंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कलर इसका थोड़ा चेंज होने लगा। तो इस टाइम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच हम सूजी की, तो इससे बहुत ही अच्छा दानेदार टेक्सचर आएगा इस हलवे का। और ये लिए हमने 1 चम्मच बेसन तो ये देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है, इसका ब्राउन कलर आ चुका है। और अब इसमें जो हमने मखाने लिए थे उसको पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लिए तरह तरह। तो ये हमने 2 चम्मच लिया है इसमें सौंठ का पाउडर और ये लिया हमने खसखस, 2 चम्मच हमने खसखस लिया है। और ये हमने लिया जो काजू और बादाम को भी हमने दरदरा कूट के लिया है, बारीक पाउडर नहीं तैयार किया इसका। और अब इसमें ऐड कर देंगे जो हमने गुड़ का पानी तैयार किया है उसको ऐड कर देंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। तो उसको बिल्कुल धीरे धीरे चलाते हुए उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और अब इसमें इस टाइम घी और ऐड कर देंगे। तो हमने टोटल 3 चम्मच घी की लिए, आप इसमें देखोगे तो बड़ी चम्मच आपकी 1 चम्मच इसमें घी की लगेगी। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसको पैन भी छोड़ने लगा है ये।
तो देख सकते हैं हलवा हमारा बनके तैयार हो गया। तो चलिए अब ये सर्विंग के लिए हमने सर्विंग प्लेट लिए हैं और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना बिल्कुल परफेक्ट, इतना ताकतवर, इतना हेल्दी हलवा बनके तैयार हो गया है। तो आप इसको बच्चे या बड़े सभी को खिला सकते हैं। सर्दी के टाइम में बिल्कुल इतना अच्छा ताकत देगा, बहुत ज़्यादा गर्माश देगा ये हलवा है। जो तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना बिल्कुल इतना सॉफ्ट हलवा बना है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड करके हम इसको सर्व कर दिए हैं। और हमारे सिंपल तरीके से हलवा बनाने की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।